महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग खात्मे की ओर बढ़ रहे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ना ही उन्हें अभी कोई राहत है और ना ही उनके खास सिपहसालार बड़बोले संजय राउत को। करीब 3 महीने से जेल में बंद संजय राउत अभी जेल में ही रहेंगे। पात्राचाल मामले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 14 दिनों के लिए फिर से बढ़ा दी है। राउत पर पात्राचाल के पुनर्विकास में कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताएं बरतने का आरोप है। गौरतलब है कि एक तरफ जहां मुंबई की अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कोई ढंग का उम्मीदवार तक नहीं है, फिर भी उद्धव ठाकरे बुरी तरह परेशान हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मतदाताओं को नोटा का बटन दबाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कोर्ट ने उनके खासम खास और उनके दाएं हाथ माने जाने वाले संजय राउत को जमानत देने से इनकार कर दिया। मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। संजय राउत को ईडी ने बीते 1 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। राउत पर मुंबई के गोरेगांव में पात्राचाल घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 31 जुलाई को ईडी ने संजय राउत के घर सहित उनके कई ठिकानों पर छापा मारा था। इस छापेमारी में संजय राउत के घर से ईडी को 11.50 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे। इससे पहले शिवसेना सांसद को उनकी न्यायिक हिरासत की समाप्ति 10 अक्टूबर को उनकी न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद 21 अक्टूबर को उनके मामले पर सुनवाई करने को कहा गया था। वहीं 21 अक्टूबर को जब सुनवाई शुरू हुई तो एक बार फिर उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए उन्हें 2 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी गई थी, जिसके बाद आज की सुनवाई में एक बार फिर से शिवसेना नेता की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबियों में से एक और शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। शिवसेना सांसद पर ईडी ने पात्राचाल मामले में बड़े पैमाने पर लेन देन का आरोप लगाया है। पात्राचाल को लेकर उनकी जगह बने नए फ्लैट को लेकर गड़बड़ियां सामने आई हैं। बहरहाल पात्राचाल घोटाले में बिल्डर और डेवलपर से घूस लेने के आरोप में जेल में बंद संजय राउत की मुश्किलें अदालत के इस फैसले से तो बढ़ी ही हैं, साथ ही उद्धव ठाकरे की राह में भी रोड़े और बढ़ गए हैं, क्योंकि एक एक करके उनके खास लोग उनसे दूर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।